मोमिन जी नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, प्रणाम। आपको प्रणाम। क्या है, मैंने सुना ब्रह्मपुत्र में पानी बढ़ रहा है, क्या बात है? थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, अभी बाढ़ आने वाला है, ये सीजन। हाँ। मैं कल जब विदेश से आया तो तुरंत मैंने जानकारी पाई थी, तो मुझे पता चला कि ब्रह्मपुत्र में पानी बढ़ रहा है, तो मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए देना शुरू कर दिया था। कल आते ही, विदेश से आते ही मैं फोन पे बैठ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर जी। असम के सारे लोगों के ओर से आपको असम के नया साल और रंगाली बिहू के शुभेच्छा। आपको भी बहुत बहुत, मैंने उस दिन तो शुभकामनाएं सबको दे दी थी, आज फिर से एक बार रूबरू में मुझे शुभकामनाएं देने का मौका मिला है। पहले तो मैं खुद बिहू के समय आपके यहाँ आता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं चावल की इतनी वैरायटीज खिलाते थे लोग, मुझे बड़ा आनंद आता था। पीठा बहुत बढ़िया होते हैं असम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपसे मेरा सवाल है जी, जो मोदी केयर को लेकर के काफी कम लोगों को ये जानकारी है, कैसे हम ये मोदी केयर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हो, इसका मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ हमारे MLA बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे याद है मैं जब गुजरात में था, मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ तीन चार लोग ऐसे थे जिनका नाम बहुत फेमस था। एक श्रीमान अशोक भट्ट थे, दूसरे एक हरिन पाठक थे, अब ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलर थे, और अहमदाबाद में एक VS हॉस्पिटल था जो म्युनिसिपालिटी का हॉस्पिटल है। मैंने देखा था कि ये दोनों हमारे बहुत जूनियर कार्यकर्ता, मैं तो राजनीति में नहीं था, वो मुझसे काफ़ी सीनियर थे लोग, लेकिन रोज 2 घंटे वो अस्पताल में जाके बैठ जाते थे। तो अहमदाबाद शहर के कोई भी बीमार व्यक्ति आता था तो उसकी खबर पूछना, डॉक्टर से मिलवा लेना, किसी को ब्लड की जरूरत है, ये उनका रोज का काम। ये इस एक सेवा के कारण वो बहुत बड़े लीडर बन गए। हमारे अशोक भाई तो लंबे अरसे तक हेल्थ मिनिस्टर रहे, हमारे हरिन भाई तो 5-7 बार MP रहे। जस्ट हर नियम से वो डेली 1-2 घंटे अस्पताल में देते थे। लोग भी जानते थे कि भाई ये इस कोने में बैठते हैं, चलो भाई मुसीबत हो वहाँ चले जाएं। पहले तो हमारे विधायकों ने, हमारे MPs ने कोई न कोई ऐसी अस्पताल के साथ, सेवा के साथ अपने आप को जोड़ देना चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए, बाकी काम अपने आप शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ सब लोग आते हैं, स्वाभाविक आपका मिलना हो जाता है और लोग भी जानते हैं कि आप सेवाभावी हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, जो दवाई 100 रुपये में मिलती है, प्रधानमंत्री जन औषधि में वो दवाई आज 18, 20, 22, 25 रुपये में मिल जाती है। आप मुझे बताइए, गरीब का 70-75% बचेगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। अब ये मोदी केयर नहीं है तो क्या है? हम देखें, हमारे यहाँ 3000, आज देश में 3000 जन औषधि केंद्र ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको और भी बढ़ाने का अभियान चल रहा है। देखिए, मेरा तो मत है कि हम और जितना भी कर सके जरूर करें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, कोई नए बजट की जरूरत नहीं है, इतने ही बजट से अच्छी तरह बच्चों की पढ़ाई हम कर सकते हैं। थोड़ा हम MLA के नाते, MP के नाते टीचर से संपर्क रखें, स्कूल में जाने की आदत डालें, कभी बच्चों से बात करने की आदत डालें। दूसरा, नौजवान को कमाई, कौशल विकास, मुद्रा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अपने पैरों पर एंटरप्रेन्योर बनने का उसके मन में इरादा, ये दूसरा का। और तीसरा, बुजुर्गों को दवाई, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, ये दवाई का काम, इसमें हम जुड़ेंगे तो पूरे परिवार के आशीर्वाद मिलेंगे। हमारा मध्यम वर्ग का परिवार, वो बेचारा किसी में हाथ तो फहरा नहीं सकता है, अगर उसको हेल्थ में अगर ये मदद मिल जाती है तो उसकी जिंदगी बन जाती है। अब देखिए, हार्ट के लिए पहले जिसका 1 लाख रुपया लगता था, वो 20-25 हज़ार में हमने करवा दिया। नी ट्रांसप्लांट करना है, पहले जितना पैसा लगता था अब 20% में खर्चा हो रहा है, तो एक तो ये काम हुआ। दूसरा है वेलनेस सेंटर, हम चाहते हैं कि 8-10 गांवों के बीच में एक अच्छा वेलनेस सेंटर हो, डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका उपयोग हो।
बड़े बड़े डॉक्टरों से उसको एडवाइज मिले। और अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, बिल्कुल माओवादियों का प्रभावी क्षेत्र में मैंने एक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। 2022 तक हम देश में ये 1.5 लाख से ज़्यादा पंचायतों में ये वेलनेस सेंटर बनाने का बड़ा अभियान चलाने वाले हैं, जिसके कारण हर प्रकार की सेवाएं लोगों को गांव में मिले। तीसरा सबसे बड़ा महत्व का काम है, मोदी केयर का कहो या आयुष्मान भारत का कहो, वो है हमारे 10 करोड़ परिवार यानी करीब करीब 50 करोड़ लोग, उनको इंश्योरेंस का एक कवर मिलेगा और एक परिवार में 5 लाख रुपए तक अगर बीमारी का कोई खर्चा होता है तो वो खर्चा उस परिवार को नहीं देना पड़ेगा, सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के ये देंगे। अब ये नामों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू हुआ है, अभी जो 14 अप्रैल से 5 मई अपना काम चल रहा है सूची बनाने का, गलत नाम ना आ जाए। देखिए कभी कभी लोग राजनीति में मोह में आकर के गलत नाम डलवा देते हैं, उससे गरीब को अन्याय होता है, अहित होता है। जो सच्चा गरीब है, जो सच्चा नीडी है, ये हम राजनेताओं का काम है, हम उसकी मदद करें। अगर ये आने वाले दिनों में जब योजना चलेगी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। एक प्रकार से हमारा निम्न मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, गरीब है, उसके सर पर बहुत बड़ा बोझ कम होने वाला है, तो हम उसके लिए। तीसरा, जब इतनी बड़ी मात्रा में सरकार पैसे देने वाली है तो छोटे 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 शहरों में नए अस्पताल बनने वाले हैं। भारत में आने वाले 5 साल में 800,000 नए अच्छे अस्पताल बनने की संभावना मैं देखता हूं। प्राइवेट पार्टियां आएगी, खर्च करेगी, राज्य सरकारें जमीन अस्पताल के लिए देने की अच्छी नीतियां बना दे, प्रोत्साहित करें, आप देखिए देखते ही देखते भारत में आरोग्य का क्षेत्र बहुत ताकतवर बन जाएगा। अब कोई इसे मोदी केयर कहे, कोई उसे आयुष्मान भारत कहे, मेरी यही कामना है कि मेरे देश के मध्यम वर्ग को, गरीब को, सामान्य परिवार को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिले।